भागलपुर में सभी मस्जिदों में आज ईद को लेकर सुबह से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। समय होते ही हर मस्जिदों में एक साथ ईद की नमाज अदा की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर के सभी ईदगाह मस्जिद से लेकर भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी नमाज पढ़ी गई। कई नेताओं ने भी ईद की शुभकामनाएं दी। सभी ईदगाह पर ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे हुए और नमाज अदा किया। उसके बाद अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय पर भी नमाज अदा की जा रही थी। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। ईद उल फितर के त्यौहार में कई राजनेताओं ने भी कई ईदगाह मस्जिदों में जाकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं उपमेयर राजेश वर्मा, युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कई मस्जिदों में जाकर लोगों से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी और एकता, अखंडता व सौहार्द को बनाए रखने का संदेश दिया। प्रशासन की काफी चुस्त व मुस्तैदी दिखी। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आइए नेक्स्ट। आपसी भाईचारे और शांति सौहार्द के इस त्यौहार ईद की हम लोग समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामना बधाई देते हैं। हमारे देश में अमन चैन रहे। हम सब भाई भाई की तरह हमेशा हर त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, इसी तरीके से साथ मिलकर मनाते रहें। मौके पर कहूँगा, आज यह कर्णगर पे यहाँ पे जो है मुस्लिम भाइयों के द्वारा ईद का नमाज अदा किया गया था और इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों की ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमेशा की तरह हमारा यहाँ के जो नाथनगर पूरे भागलपुर में दोनों समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक साथ त्यौहार को मनाते हैं राम रहीम की तरह। और यह त्यौहार हमेशा मनते रहेंगे, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, सबको साथ मिल के मनाते हैं। इस त्यौहार का जो उत्साह होता है अलग देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने उत्साह के साथ ईद को यहाँ मनाया जा रहा है।